तो जहां एक तरफ बीजेपी में आप देख रहे हैं सीएम के नाम को लेकर मंथन हो रहा है, तो सब कुछ कांग्रेस में भी ठीक नहीं है। देहरादून से एक खबर है जहां पर गणेश गोदियाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने अब सामूहिक इस्तीफे की मांग कर दी है। हार के लिए सभी पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, मथुरा दत्त जोशी ने यह कहा, और आगे कहा गया है कि सभी पदाधिकारियों को सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। तो गणेश गोदियाल ने इस्तीफा कल दिया, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने पांच राज्यों में मिली करारी हार के बाद सभी प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा, उसके बाद गणेश गोदियाल ने पहल की और उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया, और अब जो है किस तरीके से सामूहिक इस्तीफे की मांग की जा रही है। चुनाव की हार के बाद कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या केवल प्रदेश अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी है या फिर और भी नेताओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जोशी जी, अध्यक्ष जी का इस्तीफा हो चुका है, क्या आप मानते हैं कि और भी नेताओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो बनती है, अब कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव जब सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया तो मैं समझता हूँ कि सबकी, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, सबको त्यागपत्र देना चाहिए और सबको हाईकमान की बात को मानना चाहिए। जो जी, चार चार कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों ने बनाए, नेता प्रतिपक्ष भी प्रीतम सिंह है, अभी तक किसी भी और बड़े नेता जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, बच रहे हैं? मेरे ख्याल से तो सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। पार्टी समूह में चुनाव लड़ती है, कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है, और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं चाहे वो किसी पद पर भी बैठे हुए व्यक्ति हों, उनको मेरे के हिसाब से अभी संगठन के हिसाब से भी और पार्टी के अभी तक की परंपरा को देखते हुए भी मैं समझता हूँ सबको अपना इस्तीफा ऑफर करना चाहिए। जिस तरीके से कार्यकारी जो प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत, उन्होंने सीधे सीधे हरीश रावत जी पर आरोप लगा